हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट टू। इससे पहले मैंने पार्ट वन बता दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। और बायोलॉजी का मैंने 5 चैप्टर करा रखा है, जिसमें जैव प्रक्रम, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और नियंत्रण एवं समन्वय है, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। और फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रखा है और मैंने प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट वन बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और यदि चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। तो लेंस है क्या? तो लेंस जो होता है वह दो खोखले पारदर्शी पदार्थ से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे, ये दो खोखला पारदर्शी पदार्थ मैंने बनाया, जिसमें आपका ये वाला जो एरिया बना है, कैसा बना? ऐसा। तो ये आपका एक लेंस बनता है। या मान लीजिए कि दो खोखला पारदर्शी पदार्थ मैंने ऐसा लिया, ठीक है, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से मिलाया, ठीक है, तो ये आपका क्या बन के आ गया? लेंस बन कर के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा दो लेंस तैयार होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, मैंने अभी बताया था कि देखिए, ये आपका एक खोखला गोला हो गया, ठीक है, एक ये खोखला गोला हो गया, और इन्हीं दो खोखले गोले यानी पारदर्शी खोखले गोले से मिल कर के बनता है आपका ये शेप, जो कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह के शेप को बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस, ठीक है। और एक ये खोखला गोला है और एक ये खोखला गोला है, और इसको मिलाने से हमें मिला ऐसा शेप। तो दो तरीके से हम लेंस को प्राप्त कर सकते हैं, दोनों अलग अलग शेप के हैं। इस शेप में आप गौर कीजिएगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट है वह क्या है? पतला है, लेकिन बीच का जो पार्ट है वह मोटा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? ऊपर वाला पार्ट मोटा है और बीच वाला पार्ट क्या है? पतला है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं अवतल लेंस, और इसे क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। तो परिभाषित कैसे करेंगे? जिस लेंस का, ठीक है, जिस लेंस का ऊपरी और निचली सिरा पतली और मध्य का मोटा हो, उत्तल लेंस, ठीक है। या ऐसे भी कह लें कि वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसे क्या कहें? सॉरी, परावर्तक नहीं, अपवर्तक, चूँकि लेंस जो है अपवर्तन का काम कराता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? वैसा लेंस जिसका अपवर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, वह उत्तल लेंस, और जिसका अपवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। इसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, वैसा लेंस जिसका किनारा पतला और मध्य भाग मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाएगा, और जिसका किनारा मोटा और मध्य भाग पतला हो, वह क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लेंस क्या है। दो पारदर्शक सतह से घिरे संरचना को क्या कहते हैं? हम लोग लेंस कहते हैं, ठीक है। हमें कितने प्रकार के लेंस प्राप्त हो गए? दो प्रकार के। एक हो गया उत्तल लेंस, जिसे कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और एक अवतल, जिसे कनकेव लेंस बोलते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसा लेंस जिसका किनारा पतला हो तथा मध्य भाग मोटा हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। और जिस लेंस का मध्य भाग पतला और किनारा मोटा हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों का परिभाषा याद रख सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, किसी लेंस यानी कोई भी अगर लेंस हो तो उसमें क्या होता है? दो वक्रता केंद्र स्थित होता है। जैसे देखिए, एक गोला ये है और एक गोला ये है, तो वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं? लेंस जिस भी गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर ये लेंस बनता है तो ये उत्तल लेंस का भी दो वक्रता केंद्र, और अगर अवतल बनता है तो इसका भी क्या हो जाएगा? दो वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ओके। अब देखिए,
अब क्या है कि उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, अभिसरित। अब देखिए अभिसरित का मतलब क्या होता है, अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर लाके मिला देना। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे होंगे, ये क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में जो भी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, वह लाइट रेज उत्तल लेंस क्या कर रहा है, अभिसरित कर दे रही है, ठीक है। और अवतल लेंस में क्या होता है कि ये लाइन अपसरित हो जाते, जो भी लाइट आती है वह क्या हो जाता है, फैलता चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अभिसारी क्यों बोले, क्योंकि यह लाइट को क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है। अभिसरित कर दिया तो अभिसारी लेंस, और अपसरित कर दिया तो अपसारी लेंस कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि भाई उत्तल लेंस जो है वह अभिसरित ही क्यों करता है, और अवतल लेंस जो है वह अपसरित ही क्यों करता है, ठीक है। तो आपने प्रिज्म का कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या कंसेप्ट पढ़ा होगा, चलिए बताते हैं। यदि आपने प्रिज्म का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मान लीजिए कि यह आपका एक प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या है, अगर मान लीजिए कि लाइट रेज इस तरीके से आती है तो यह क्या कर देता है, प्रकाश को क्या कर देता है, विक्षेपित करता है, ठीक है। जितने भी वर्ण होते हैं इसका क्या करा देता है, तोड़ देता है और अपवर्तित कराता है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाले क्या बात है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये हमेशा और हमेशा प्रकाश के, ये जो प्रिज्म है इसके आधार की ओर ही मुड़ती है। किसकी ओर मुड़ती है, आधार की ओर। अगर मान लीजिए कि मैंने ये एक उत्तल लेंस बनाया, ठीक है, क्या बनाया, एक उत्तल लेंस बनाया, तो अगर इसको हम डिवाइड करें इस तरीके से तो ये एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ना। तो देखिए अगर लाइट रेज ऐसे आएगी तो किसकी तरफ जाएगी, आधार की ओर ही जाएगी, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को अभिसरित कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस में क्या होता है कि यह प्रकाश की किरण को अपसरित कर देता है। क्यों करता है अपसरित, तो देखिए मान लीजिए कि यह अवतल लेंस है, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ से तो ये इस तरीके से प्रिज्म सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से प्रिज्म सा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जब लाइट रेज आएगा तो ये क्या करेगा, आधार की ओर मुड़ेगा, तो आधार की ओर मुड़ेगा यानी कि फैलता चला जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण अभिसरित होती है और अवतल लेंस में प्रकाश किरण क्या हो जाता है, अपसरित हो जाती है। और इसी गुण के कारण, अपसरित और अभिसरित होने के गुण के कारण ही उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर परिभाषा के रूप में भी लिख दिया है। क्या है, उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, अभिसरित कर देती है, ठीक है। तो अभिसरित कर देती है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। जैसा कि ये है, अवतल लेंस अपने से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है, अपहरित नहीं, क्या कर देता है, अपसरित कर देता है। तो अपसरित कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स। यदि इसका आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, ठीक है, यदि इसका आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आप सर्च करेंगे T10 स्टडी, ठीक है, आपका जो चैनल है इसी के नाम से आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात आती है हमारा इमेज का। जैसा अपन लोगों ने मिरर में पढ़ा था, किसमें, मिरर में पढ़ा था कि मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है। तो आपको याद होगा कि मिरर अगर मैंने इस तरीके से बनाया, ये कौन सा मिरर है, यदि आपको याद हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैंने बताया था जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वह क्या होता है, अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उभड़ा हुआ हो, अवतल या उत्तल, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब मैंने उसमें बताया था कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिलती है, ठीक है,
कहाँ, जिस भी बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इसका प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी होगा, सेम परिभाषा हम लोग इसमें भी लागू करेंगे। लेकिन ये दर्पण था तो दर्पण में क्या होता था, परावर्तन। लेकिन ये क्या है, लेंस है, तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। परिभाषा हमको वही याद रखना है, लेकिन जहाँ पर परावर्तन टर्म का यूज किए थे, यहाँ किसका यूज करेंगे, अपवर्तन का। देखिए यहाँ पर मैंने एक उत्तल लेंस बनाया है जिसमें ए बी क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से एक लाइट रेज ऐसे आ रही है। ठीक है, एक लाइट रेज क्या है, आ रही है, और आने के बाद ये क्या हो जाती है, अपवर्तित होकर के एफ टू से गुजर रही है। ठीक है, और एक केंद्र से होकर के जा रही है। तो एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो लाइट रेज है कहीं पर भी आपको मिलता हुआ प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि ये फैलता चला जा रहा है। इसको हम क्या करते हैं, काल्पनिक रूप से पीछे की ओर मिलाते हैं। तो जब काल्पनिक रूप से पीछे की ओर मिलाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, और जो वास्तविक कटान से बनता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसको भी किस तरीके से परिभाषित करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन, ये टर्म याद रखिएगा। दर्पण था तो परावर्तन, लेंस है तो अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। सेम परिभाषा दर्पण में मैंने जैसा बताया था, सेम परिभाषा इसमें भी होगा। ठीक है, लेकिन दर्पण में जहाँ परावर्तन का यूज किया था, यहाँ पर अपवर्तन का यूज करेंगे। लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा अपवर्तन के बाद बनेगा, लेकिन दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह परावर्तन के बाद बनता है। ओके, चलिए अब प्रतिबिंब भी कितने, दो प्रकार के। क्यों, क्योंकि एक तो वास्तव में मिलती है या नहीं तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस हिसाब से प्रतिबिंब दो तरीके के, एक वास्तविक, वास्तविक कौन, जो वास्तव में मिले, वास्तविक कौन, जो वास्तव में मिले। तो वही बात है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिले, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, आभासी या काल्पनिक किसे कहेंगे, वर्चुअल इमेज, जब काल्पनिक रूप से मिलती हो या आती हुई प्रतीत होती हो। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अब देखिए मैंने उसमें भी बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम कहाँ, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा बनेगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा हो, ठीक है, कैसा बन रहा हो, सीधा, तो वह कैसा होगा, काल्पनिक, और यदि उल्टा बन रहा हो तो वास्तविक होगा। ओके, और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसे पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा कि लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। अपन लोग जो लेंस से किरण आरेख बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या नियम है वो हम लोग जान लेते हैं पहले। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने दर्पण पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि किरण आरेख खींचने के कुछ नियम होते थे, ठीक है, तो दर्पण के लिए अलग है लेकिन लेंस के लिए भी अलग है। मान लीजिए कि ये आपका एक लेंस बना, उत्तल लेंस, ठीक है, ये इसका प्रधान अक्ष, और हमने क्या पढ़ा, इसमें दो फोकस होंगे और इसमें भी दो फोकस होंगे, अगर F1 तो F2, और दो वक्रता केंद्र होंगे C1 तो C2। ठीक है, अब रूल क्या है कि ये अगर हम लेंस की दर्पण की बात करते थे तो ये जो दर्पण का मिड पॉइंट होता था उसको क्या बोलते थे, ध्रुव बोलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई किरण ये प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो ये बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। एक कंसेप्ट ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश केंद्र की ओर, लेंस के केंद्र की ओर आपतित होती है, ठीक है, तो वह बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा।
दूसरा क्या याद रखना है कि यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही हो, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही हो तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, कब, जब लेंस क्या हो, उत्तल हो। और यदि मान लीजिए कि लेंस अगर आपका अवतल होता तब क्या होता, अवतल होता तो ये कुछ इस तरीके से आता और यहाँ से ऐसे चला जाता, तो ये कहाँ से, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता, कहाँ से, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता। पॉइंट याद रहेगा, क्या याद रखना है कि यदि लेंस उत्तल हो तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरेगी, और यदि लेंस उत्तल हो तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब अगर मान लीजिए लेंस उत्तल लेंस में यदि कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, किधर, ये एफ था, ये एफ था, यदि फोकस की दिशा में आपतित होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी, क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, याद रखिएगा। देखिए, लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला रूल है लेंस के प्रकाश के केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए क्या हो जाता है, सीधी निकल जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, जबकि अवतल लेंस होगा तो क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। फोकस की दिशा में अगर कोई भी प्रकाश किरण अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के बाद कहाँ, लेंस के अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तीन रूल आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको किरण आरेख बनाना है तो। चलिए अब देखते हैं उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब। हम पहले स्थिति की बात करें, पहले स्थिति क्या कह रहा है कि या जब वस्तु लेंस तथा F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए, ये आपका लेंस हो गया और ये आपका F1 हो गया, और उसके बीच में अगर वस्तु यहाँ पर रखा हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे, ये वस्तु है इसके ठीक पीछे यहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी। आभासी क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका काल्पनिक कटान से बना है, ठीक है, कैसा, काल्पनिक कटान से बना है, इसीलिए आभासी और सीधा और वस्तु से भरा। सीधा कैसे, यह प्रधान अक्ष के ऊपर है तो सीधा, और देखिए एक चीज़ और, ये वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा, वस्तु के पीछे आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरा स्थिति की बात कर लें कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए यदि वस्तु F1 पर स्थित हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, चूँकि देखिए ये जो लाइट रेज है ये एक दूसरे के पैरलर चली जा रही है, कहीं पर भी आपको मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के मिलेगा, इसीलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो वस्तु तो इतना छोटा है तो वस्तु से बड़ा ही बनेगा ना, तो वस्तु से बड़ा बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। अब देखिए प्रधान अक्ष के किधर बनेगा, नीचे, तो जब नीचे बनता है तो प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, और ऊपर बनता है तो सीधा, ठीक है। तो देखिए इसका अगर नेचर की बात करें तो नेचर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए तीसरी स्थिति की बात कर लें, जब वस्तु कहाँ हो, F1 तथा 2F1 के बीच, कहाँ, ये आपका F1 और ये आपका 2F1, और इसके बीच यदि वस्तु स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है, यहाँ पर 2F2 कर लेना है, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में, कैसा, ये प्रधान अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, चूंकि ये वास्तविक कटान से बन रहा है तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर स्थित हो, देखिए ये 2F1 है, 2F1 पर यदि वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, ठीक है, और कैसा, तो देखिए प्रधान अक्ष के नीचे तो कैसा, कैसा बनेगा, उल्टा, ठीक है, वास्तविक कटान से बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, और चूंकि यह प्रतिबिंब और वस्तु और प्रतिबिंब का साइज बराबर लग रहा है तो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है।
उसके बाद अगर हम बात कर लें अगला पॉइंट पांचवा, कि जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच में हो, देखिए 2F1 और इधर होता है अनंत, तो इसके बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2F1 पर, सॉरी 2F1 तथा F2 के बीच बनेगा, ये 2F यहाँ पर सॉरी 2F2 कर लीजिएगा, ठीक है, ये 2F2 तथा F2 के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा तो मैंने ही बताया, आप खुद इसको बना सकते हैं, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। और छठा है और लास्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर स्थित होगा तो F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ये इसका किरण आरेख हुआ। चलिए बात कर लेते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, तो जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच स्थित हो तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, लेंस तथा F2 के बीच आभासी सीधा और छोटा बनेगा, ठीक है, याद रखना है। और जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब F2 पर बनेगा, आभासी सीधा और बहुत छोटा बनेगा। तो एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, अवतल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है। तो एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, दर्पण में क्या होता था, दर्पण में जब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता था तो छोटा बनता था, उत्तल से छोटा दर्पण में, लेकिन अवतल लेंस जब लेंस की बात करेंगे तो लेंस में छोटा बनता है, तो दर्पण लेंस का ठीक उल्टा बनाता है प्रतिबिंब, ये चीज़ याद रखना है, ये तरीका है याद रखने का, आप रख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति के निर्धारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष नियम का पालन करते हैं, उसे ही चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था। देखिए चिन्ह परिपाटी के लिए कुछ रूल्स हैं जो याद रखना है, कि चिन्ह परिपाटी के लिए सभी दूरियाँ कहाँ से मापी जाती है, तो लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। यह जो आपका लेंस है तो लेंस का यह जो प्रकाश केंद्र है यहाँ से सारी दूरियाँ मापी जाती है, चाहे आप इधर जाएं चाहे आप इधर जाएं, इधर आइएगा तो क्या जाएगा आपका नेगेटिव, और इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियाँ धनात्मक, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर प्रकाश की किरण ऐसे ही आपतित होती है ना, तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी डायरेक्शन मापा जाएगा यानी इधर, तो ये क्या जाएगा पॉजिटिव, और यदि इधर मापा जाता है तो नेगेटिव, ठीक है। तो वही कह रहा है प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, और जब विपरीत जाएगी तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर, ये जो मान लीजिए ये आपका लेंस है, ये इस अक्ष के ऊपर यदि मापता है, ठीक है, तो क्या होगा धनात्मक, और नीचे मापता है तो ऋणात्मक। जैसा कि आप लोगों ने मैथ में कंट्रोल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा चिन्ह परिपाटी, याद होगा आप लोगों को चतुर्थांश में ये क्या होता था, ये एक्स डैश अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई डैश अक्ष और ये वाई अक्ष, इधर जब हम जाते थे तो नेगेटिव आता था, इधर जाते थे तो पॉजिटिव, ऊपर जाते थे तो पॉजिटिव और नीचे आते थे तो नेगेटिव, ठीक उसी तरीके से। कुछ और पॉइंट है याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। आपने गौर किया होगा कि यदि किसी व्यक्ति का आँख खराब होता है तो डॉक्टर जो होता है उसका चश्मा बना के देता है, अगर उसमें प्लस कुछ भी डायोप्टर हो, जैसे एक्स डायोप्टर, कुछ भी डायोप्टर हो, 2 डायोप्टर, 2.5 डायरेक्ट डायोप्टर अगर प्लस में आता है तो समझिए उसको किस प्रकार के लेंस का यूज किया गया उसके लेंस में, तो मतलब चश्मा में, तो उत्तल लेंस, और यदि माइनस टर्म यूज किया जा रहा है इसका मतलब है अवतल लेंस का यूज किया जा रहा है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब एग्जाम में पूछ रहा था लेंस सूत्र, तो ये होता है लेंस सूत्र, याद रखिएगा 1f = 1/v - 1/u, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, m से, ठीक है, यानी आवर्धन यानी m = प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए h आपका प्रतिबिंब है, h डैश अगर आपका वस्तु की ऊंचाई है, यानी वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है लेंस की क्षमता से आपका क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा आपका जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है उसी को लेंस का क्षमता कहा जाता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब 1/f,
ठीक है, ये फोकस फोकस दूरी का उल्टा, तो फोकस दूरी के बट्टा में एक होगा, अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 1/f निकल करके आएगा। तो वही फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस का क्षमता कहा जाता है, यानी पी इज इक्वल टू 1/f। ओके, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100/f, यहाँ पर 1 जो है मीटर में है, ठीक है, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 100/f। तो इसके सहायता से आप जो होता है लेंस की क्षमता को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका दे दे कि किसी भी लेंस की क्षमता अगर यह है तो फोकस डिस्टेंस क्या होगा, अगर यह पूछ लेता है, या अगर फोकस डिस्टेंस दे देता है और तब आपसे पूछता है कि लेंस की क्षमता क्या है, तो आप इस फार्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन पूछ जाता है लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है और इसे डी से डिनोट किया जाता है। अगला है लेंस की क्षमता धनात्मक, और कौन सी लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, मैंने जस्ट बताया था उत्तल लेंस का जो चिन्ह परिपाटी में क्या होता था, पॉजिटिव होता था, इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता होगा पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर अगर चश्मा दे रहा है और उस चश्मे का पावर है +0.25 डायोप्टर, और अगर आपसे पूछता है कि बताइए ये किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया गया है इनके चश्मा में, तो आप साइन देख करके सीधा बता दीजिएगा कि यह उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अगर इसी जगह माइनस का चिन्ह होता तब क्या हो जाता है, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की क्षमता में धनात्मक होता है और अवतल लेंस का क्षमता जो होता है वह कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्या है, m = -v/u, ठीक है, और लेंस के लिए +v/u। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि यहाँ पर सिर्फ माइनस और प्लस का खेल है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, दर्पण में माइनस और लेंस में प्लस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। ठीक है, तो 2 पार्ट में मैंने ये टोटल चैप्टर को कंप्लीट किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अगला पार्ट है आपका ह्यूमन आई, ठीक है, तो ये भी हम अगले कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे, आप लोग उससे लाभ पा सकते हैं यदि इसका आप PDF चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या है उसका नाम, उसका भी नाम आपका है T10 Study। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको इन सभी के PDF मिल जाएंगे। और एक चीज़, जो बच्चे पॉलीटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, किसका पॉलीटेक्निक का यदि कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं लगभग 1995 से लेकर के 2020 तक का सारा क्वेश्चन मैंने वहां पर डाल रखा है। ठीक है, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड करके अपना तैयारी कर सकते हैं पॉलीटेक्निक के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।